नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश इस कोरोना संकट की महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की सीमाओं के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान देकर शहीद हुए सैनिकों को, देश की आजादी को दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी, उन शहीदों को नमन करते हुए उन शहीदों की याद में, उनके संघर्षों की याद करते हुए आज हम इस देश की खुली आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और ये बात सब लोग जानते हैं कि इस समय देश और दुनिया एक कोरोना वैश्विक महामारी के संकट में है और इस संकट की घड़ी में जहां भारत ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस सूझबूझ और तत्परता के साथ कोरोना महामारी से निपटने में जो कामयाबी मिली है और जिस इच्छा शक्ति के साथ दिल्ली ने, देश ने जो काम किया है, उससे हमें शीघ्र ही कोरोना संकट से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। और आज इस कोरोना महामारी संकट के समय भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया है, संकट की चुनौती को भी अवसर में बदलने का एक रास्ता दिखाया है, वो है आत्मनिर्भर भारत को बनाने का। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर दिल्ली बनेगा। हमारा देश युवा देश है और जब युवा देश की बात करते हैं तो आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो हमें आह्वान किया है कि हम अपने इम्पोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और हम अपने रॉ मटेरियल से स्किल डेवलपमेंट करके वैल्यू एडिशन के साथ हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत एक सशक्त देश बनेगा, विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जब देश अगला स्वतंत्रता दिवस यानी 75वें वर्षगांठ मना रहा होगा तो देश अपने पैरों खड़ा होगा, एक सशक्त रूप में विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि गंदगी भारत छोड़ो और इस अभियान में हमें गंदगी दिल्ली छोड़ो का जो हमने संकल्प किया है उसमें हम निगम के अधिकारी, निगम के नेताओं के साथ और हम दिल्ली की जनता को यह आह्वान करते हैं, आप सब लोग मिलकर दिल्ली गंदगी छोड़ो के संकल्प को हम पूरा करेंगे। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बहुत खास और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूं और वो बात है नई एजुकेशन पॉलिसी की, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज आजादी के इतने 74 सालों के बाद जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा 6 क्लास से ही स्किल होगा तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हमारे अंदर जो युवा है वो रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा और एक नए रूप में हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनेगी तो हमारा युवा एजुकेशन के साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप होगी और उसको एम्पावरमेंट होगी और इसके साथ साथ ही वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला युवा बनेगा। और यही एक सच्चा संकल्प, एक सही संकल्प आज के स्वतंत्रता दिवस पर हमें करना चाहिए कि हम लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ें। और इस संकल्प के साथ मैं एक बार पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।